रत्रा विजन में आपका स्वागत है। कुछ भी कभी भी, प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर। हाय फ्रेंड्स, आज है 30 अक्टूबर 2022 संडे का दिन और मैं हूँ दिल्ली में। तो सोचा सैर की जाए और आपको भी दिल्ली के दर्शन कराए जाए। तो आज का फिर प्रोग्राम था मेरा राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट की ओर। ये सामने जो बिल्डिंग है रेल भवन है और इसे आप इस तरफ जहाँ पर से मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये कृषि भवन भी बोल सकते हैं और सेंट्रल सर्किट भी बोल सकते हैं। इतनी दूर तक झील है, कितना खूबसूरत मंजर। अभी गर्मी कम है, ठीक है मौसम, लेकिन अगर आप ज़्यादा पैदल चलोगे तो गर्मी होती है। तो काफ़ी टूरिस्ट भी यहाँ पर आए हुए हैं। तो सामने हमें जाना है उस तरफ, वो है राष्ट्रपति भवन। तो हमेशा जब भी आप दिल्ली में हो, बड़े शहरों में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करें। तो जहाँ जहाँ पे इंस्ट्रक्शन होती है उसके अकॉर्डिंग ही आप सड़क को पार करें। और एक ग्रीन सिग्नल था तो मैंने पार किया, अब दूसरी तरफ आ गया मैं बार। और यहाँ से मतलब सिर्फ पैदल जाने देते हैं, गाड़ी अलाउ नहीं है। कितना साफ सुथरा राष्ट्रपति भवन की ओर चले, चलते चले। और जैसे जैसे हम करीब जाएंगे वैसे वैसे राष्ट्रपति भवन का मंजर नज़र आएगा। तो कैसे बिल्कुल रेड कलर का कारपेट लगता है ना, ये जैसे अपने कहते हैं उनको, हमारे जो राजाओं का समय था तब भी ये जो लाल पत्थर है यूज़ होता था। तो काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब धुलने के बाद वैसे भी चमकदार हो जाता है। तो इस बार बिल्कुल अंदर तक एंट्री नहीं हुई है। लास्ट टाइम मैं आया था तो वो लास्ट तक गया था जहाँ पर राष्ट्रपति का गेट भी है, वहाँ से ट्यूलिप के फ्लावर वगैरह भी दिखाई देते हैं। तो ये दोनों तरफ आप बिल्डिंग देख सकते हो, बिल्कुल शांति, किसी पब्लिक की अंदर अनुमति नहीं है। तो यहाँ तक सही शूटिंग कर रहा हूँ मैं वीडियो, तो लीजिए। और ये मैं आपको कोशिश में आजकल यही करता हूँ कि बैकग्राउंड म्यूज़िक की जगह जो पब्लिक का व्यू, सॉरी साउंड है, पक्षियों का साउंड है, गाड़ियों का साउंड है, उसका साथ साथ में असली मज़ा रहे। तो ये देखिए क्या शानदार। जो मर्जी है, अंग्रेज अंग्रेज ही थे, जो वो कर गए ना हम कुछ नहीं कर सकते उनके मुकाबले, हम बहुत पीछे हैं। वहाँ राजा राजे और अंग्रेज, तो देखिए पब्लिक पूरी इंजॉयमेंट कर रही है। काफ़ी सारे होंगे, लोकल भी होंगे, बाहर से भी आए होंगे मेरी तरह। ये देखिए स्काई वाला पानी, हर ग्रीन ग्रीन और छवि फाउंटेन की। पक्षी पूरे एंजॉय कर रहे हैं। वीडियो पूरा देखिएगा, अच्छा लगेगा आपको, स्किप मत करें और पूरा मजा ले वीडियो का। थोड़ा बहुत लंबा मैंने जरूर बताया है। इस बोर्ड पे जो लिखा है उसके हिसाब से हम हिंदुस्तानी कभी नहीं सुधरे, जो मर्जी लिखा हो
जो मर्जी हो हम नहीं मानेंगे। ये अभी सामने बस जा रही जो ये दिल्ली दर्शन कराती है, सारा चक्कर पूरा लगवाती है, तो आप ये भी बुक करवा सकते हैं, आप ऑनलाइन चेक कर लीजिएगा। टॉयलेट्स वगैरह का भी कितना शानदार डिजाइन है। लो जी, आपको दिखा दिया राष्ट्रपति भवन, अब चलते हैं इंडिया गेट की ओर। वॉकिंग डिस्टेंस है लेकिन सफ़र तो तय करना ही पड़ेगा। चलिए आगे मिलते हैं। लाइट्स कितनी अच्छी है, ऊपर एलईडी है, नीचे भी शेडिंग लाइट है पेड्स वगैरह के लिए। यहाँ पर डिस्प्ले बोर्ड भी लग गए इस बार, और आप चेक करके पढ़ सकते हैं, पूरी इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है, जहाँ पे पानी के और ग्राउंड वगैरह का सारा ब्यौरा दिया हुआ है, तो आप स्टडी कर लीजिएगा, काफ़ी सुंदर है। साबे भी अच्छे बन गए हैं, तो इनका यूटिलाइज करें जब भी आप रोड वगैरह क्रॉस करते हैं, तो काफ़ी शानदार बने हुए हैं। मेरे पास कैसे लगा? बीच में जो रिवर है बनाया हुआ है इन्होंने, उसमें पीरों की जगह है वो छोड़ रखी है। पैदल सैर करते करते पहुंच गए राष्ट्रपति भवन से सीधा इंडिया गेट। ये दर्शन इंडिया गेट के आज के दिन, बड़ा रश है संडे का, लोग बड़ा सेलिब्रेट कर रहे हैं आज भी।
सुभाष चंद्र बोस की भी पीछे हमें इंफॉर्मेशन मिली थी, उनकी भी स्थापित की है मूर्ति। देखिए अभी मैं जा रहा हूँ जवान मेमोरियल, नई चीज़ बनी है, देखते हैं। मैं भी नहीं देखी, देखते हैं कैसी है। ये हमारे सारे जवान जो देश के लिए शहीद हुए, उनका ये स्मारक है और उनके सभी के नाम यहाँ पर उपस्थित है कि जितनी भी जनरेशन आए तो उन्हें याद रहे कि ये देश ऐसे नहीं आज़ाद हुआ, इसके पीछे हमारे कितने भारतीय सेना ने अपनी कुर्बानियाँ दी। तो हमेशा हमें इनको याद रखना चाहिए। तो ये स्मारक कुछ इस तरह का है, बहुत खूबसूरत स्मारक बनाया है हमारे देश का। ये पूरा सर्कल में है, तो देखो आप इतना बड़ा सर्कल और कितने ही हमारे जवानों ने शहीदी दी है इस देश के लिए। तो धन्य है वो माए और ये देश, वी प्राउड। लड़ाई में अच्छा 93,000 सैनिकों को हम यहाँ लाए थे भारत में। अच्छा खदेड़ के, अच्छा वहाँ का निगाजी था जनरल। आ जाइए, अभी स्मारक के दर्शन करते हैं जो सेंटर में है, तो वहाँ के भी दर्शन कर लें। तो आपको भी करवा रहा हूँ, वैसे आपने दिखा तो दिया मैंने। लेट्स सी वेट। ये दोस्तों खूबसूरत वार मेमोरियल और सेंटर में जो है अमर ज्योति है, यहाँ पर तो यहाँ पर आ रही है अमर ज्योति और उन्हें बॉस के ऊपर पूरी जो भी हमारे जवान है, जहाज है, कैसे कैसे हमारी एयरफोर्स नेवी वगैरह, उसका पूरा उस यहाँ पर पिक्चर दर्शाया गया है। तो काफ़ी शानदार है जो भी उन्होंने बताया है हम लोगों के लिए। थल सेना, जल सेना, वायु सेना, ये सब के निशान और उनकी एक्टिविटीज, सारा कुछ जो युद्ध हुए हैं वो सारा यहाँ पर दर्शाया गया है। तो काफ़ी अच्छा है, देखते हो खुद देखोगे आकर तो और भी मज़ा आएगा। तो जब तक नहीं आ सकते तो वीडियो में अदा कर लीजिए।
वीडियो पर एंजॉय कीजिए। ये है सेंटर में अमर ज्योति, जो हमेशा हमारे देश के लिए जलती रहती है यादगार के लिए। यहाँ अंदर आर्मी की एक शॉप है, जहाँ पर आपको आर्मी का सामान, छोटे छोटे आइटम्स हैं, ड्रेसिंग वगैरह है, उसके ऊपर लोगो वगैरह है, पसंद देता है। लेकिन अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, तो यहाँ उन्होंने वीडियो बंद करवा दिया था। तो यहाँ काफ़ी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, अंदर आप परचेज कर सकते हैं। लो जी, स्मारक की यात्रा समाप्त। अब वापस जा रहा हूँ मैं इंडिया गेट की ओर। तो घूम घूम कर ना भूख लगी बहुत ज़्यादा। अभी चलते हैं इंडिया गेट की ओर और वहाँ मिलेगा खाने को ढेर सारा, तो लेते हैं नज़ारे। खाने वाली जगह आ गई, गोलगप्पे शकरकंदी। अभी बोलो भी अपडेट मान दिए तो हो गया काम। छोटी बोतल रखी कोल्ड ड्रिंक की? छोटी नहीं सर, ये चाहिए। बड़ी है? हाँ जी, यहाँ पे बड़ा ही होता है, छोटा नहीं होता। अरे अकेले ने पीनी है तो बड़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती ना। लो जी, आज संडे हमने मना लिया और राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट स्मारक और यहाँ की सैर और यहाँ की जनता सब आपको दिखा दी आज की। और संडे सेलिब्रेट हो गया पूरा, थक गए, टायर्ड हो गए हैं, थोड़ी से रेस्ट करें। अभी इंडिया गेट पर ही हो, ये देखिए, ये इंडिया गेट दिखाई दे रहा है और इस तरफ राष्ट्रपति भवन और हम बीच में रेस्ट कर रहे हैं अब। तो
यहाँ अपना काफ़ी अच्छा इंजॉयमेंट पिकनिक सी हो जाती है। अपना सामान पूरा लेके आए, आराम से बैठ जाए, इसलिए पब्लिक बैठी हुई है। काफ़ी सारे लोग जो है ना ग्रुप बना कर आए हुए थे, काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। बच्चे वगैरह हुए, फैमिलीज हो गई, यंगस्टर हो गए, फुली इंजॉय। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। तो अब मैं इसी वीडियो बंद कर रहा हूँ और मैं भी जा रहा हूँ घर की ओर। थैंक यू सो मच।